देश में क्रिप्टो को लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आरबीआई देश में पहला अपना क्रिप्टो लाने की तैयारी में है, इसी को लेकर संसद के मौजूदा सत्र में अब इसके रेगुलेशन के लिए बिल लाने का सोच रही है। वही जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिजिटल करेंसी का नाम सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रखा जाएगा। आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक की दो चरणों में सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की योजना है। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीडीसी बेस्ट होलसेल अकाउंट के लिए पायलट टेस्टिंग जल्द शुरू होगी। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लॉन्च के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कर रहा है करेंसी पर काम। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु इस डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है और इसे दो चरणों में लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें, सबसे पहले रिजर्व बैंक होलसेल बेस्ड सीबीडीसी लॉन्च करेगा, जिसका डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है, जिसके लिए इसे पायलट टेस्टिंग के लिए ले जाया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया कि रिजर्व बैंक इसके लिए अभी एक और एजेंसी को शामिल कर सकता है। फिलहाल अभी CCIL पर विचार किया जा रहा है, हालांकि अभी इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया। आपको बता दें कि RBI का जो बॉन्ड के लिए रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, उसके लिए भी CCIL ने तकनीकी सपोर्ट दिया था। इस सिलसिले में भी ऐसी ही बात चल रही है कि यहां भी CCIL को शामिल किया जाए। सरकार से आखिरी मंजूरी का इंतजार। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक अभी भी सरकार से आखिरी मंजूरी का इंतजार कर रहा है, जिसके तहत वह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत परिभाषा के तौर पर इस करेंसी को शामिल कर सके। तो अब इस बात को देखना होगा कि ये संशोधन कितनी जल्दी होती है और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बाजार में कब तक आता है। इधर वित्त मंत्रालय ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में बताया था कि सरकार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी पर विचार कर रही है और यह किसी क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं होगा। इसकी शक्ल रुपए या पैसे की तरह नहीं होगी, बल्कि यह पूरी तरह से डिजिटल होगा।